नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फूड विद विनोद में। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ चिकन सीख कबाब, सॉफ्ट स्पंजी और चटपटा सा। आप फटाफट भैया कैसे बना सकते हैं दोस्तों, करते हैं स्टार्ट्स। तो सबसे पहले हमने बोनलेस ले लिया है और इसको हम मोटे मोटे टुकड़े में काट के मिक्सर जार में इसका कीमा बना लेंगे। ये देखिए कीमा बन के रेडी है दोस्तों, इसको हम एक बाउल में ले लेंगे। अब हम इसमें लगभग एक टीस्पून एग वाइट पार्ट डालेंगे और चॉप्ड ग्रीन चिली, चॉप्ड अदरक और धनिया के जो स्टिक्स होते हैं चॉप डालेंगे, और मसाले में थोड़ा रेड चिली पाउडर और किचन किंग 1/4 टीस्पून और थोड़ा सा गरम मसाला और लेमन जूस और थोड़ा कसूरी मेथी और चीज़ हम इसमें प्रोसेस चीज़ ग्रेट कर लेंगे, जिससे कि स्पंजी सॉफ्ट और खाने में एकदम माउथ मेल्डिंग बनेगा दोस्तों। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा क्रंचीपन देने के लिए हम इसमें चॉप्ड ऑनियन डालते हैं, जिससे खाने में थोड़ा क्रंचीपन आए। और 2 पिंच हम इसमें इलायची पाउडर भी डालते हैं दोस्तों। ये तंदूरी चिकन सीख कबाब खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। तो इसको एक सीख में हम इस तरह से लगा लेते हैं, ये देखिए, और इस तरह से इसको सीख में सेट कर लेंगे और इसको 3 से 4 मिनट हम हाफ डन करेंगे इसको तंदूर में, और उसके बाद हम इसे 2 मिनट के लिए निकालेंगे दोस्तों। 3 से 4 मिनट हो गए दोस्तों, इसको 2 मिनट के लिए हम बाहर निकालते हैं और उसके बाद हम इसमें अच्छी तरह से बटर लगा लेंगे दोस्तों, जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़िया और खाने में मज़ा आएगा दोस्तों। और 2 मिनट इसे और डालेंगे और इसके बाद हम निकाल लेते हैं इसको। ये देखिए इतना बढ़िया सा चिकन सीख कबाब बनके रेडी है और इसके अब हम पीसेज बना लेंगे। तो दोस्तों, आप भी इसे इस तरह से पीसेज बना के अपने हिसाब से पीसेज बना सकते हैं दोस्तों। और ये चिकन सीख कबाब दोस्तों इतना मस्त और टेस्टी होता है, आप एक बार बनाएंगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। अब हम इसमें हल्का सा चाट मसाला, धनिया और हल्का बटर डाल के इसको प्लेटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक